ईमानदारी से देखा जाए कि देश में कौन सा बहुजन नेता बहुजन समाज के अधिकार की बात करता है, न्याय की बात करता है, मनवादी शक्तियों से लगातार लड़ता है। जब न्याय की बात आएगी तो इसमें उदित राजी सबसे आगे होंगे। तो अगर आप न्याय करते हैं तो उसके आधार पर भी आपको साथ देना चाहिए। क्या और घूमने पा रहे इस मनवादी राजनीतिक पार्टियों में एमपी एमएलए नहीं है क्या? अभी भी तो है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी मनवादी पार्टियों में सांसद हैं, एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी में भी और भी पार्टी में है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी अपने सिद्धांत के साथ में समझौता नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। तो जिस पार्टी में रहे लेकिन उस पार्टी का गुलाम नहीं बने बाबा साहब अम्बेडकर। एक नहीं, बहुजन समाज फर्स्ट। उसी प्रकार डॉक्टर उदित राज जी को भी अगर मौका मिला तो पार्लियामेंट के अंदर में लगातार उन्होंने बहुजन समाज की आवाज बने रहे, उनकी राइट की बात करते रहे, उनके मान सम्मान की बात करते रहे, रामलीला मैदान में उसी पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ आंदोलन पैदा करते रहे। जिंदाबाद दलितों का नेता कैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो। तो साथियों ये आप सब जानते हैं, एक बार हमारे लोकसभा में आइएगा, उदित राज जी का जो क्षेत्र है लोकसभा नॉर्थ वेस्ट, मैं वहीं रहता हूँ रोहिणी में। आज उस लोकसभा क्षेत्र के सभी समाज के लोग दुखी है वर्तमान सांसद से, और ये कह रहे हैं कि उदित राज जी से बेहतर दुनिया में कोई सांसद नहीं था, अर्थात देश में कोई नहीं था। उन्होंने बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड भी पाया, वहां की जनता रो रहा है। एक राजेंद्र पासवान जी बहवाना क्षेत्र से जानते हैं, सभी जातियों के लोग कह रहे हैं कि उदित राज जी को यहां से एमपी होना चाहिए था। क्या गुनाह था उन्होंने? यही गुनाह था कि बहुजन समाज के अधिकार की बात किया लेकिन पार्लियामेंट तो सबके लिए काम किया। तो साथियों मैं तो बात कहना चाहूंगा, वक्ता बहुत होंगे, बहुत समय लेना नहीं चाहूंगा, एक बार हम सबको जागने की जरूरत है, नहीं तो ये देश वाकई में जैसा हम सुधा जी ने कहा कि। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी अपने सिद्धांत के साथ में समझौता नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। वो जिस पार्टी में रहे लेकिन उस पार्टी का गुलाम नहीं बने बाबा साहब अम्बेडकर। कह कि नहीं, बहुजन समाज फर्स्ट। उसी प्रकार डॉक्टर उदित राज जी को भी अगर मौका मिला तो पार्लियामेंट के अंदर में लगातार उन्होंने बहुजन समाज की आवाज बने रहे, उनके राइट की बात करते रहे, उनके मान सम्मान की बात करते रहे, रामलीला मैदान में उसी पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ आंदोलन पैदा करते रहे। कितना बड़ा जिंदाबाद 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 दलितों का नेता कैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो। तो साथियों ये आप सब जानते हैं, एक बार हमारे लोकसभा में आइएगा, उदित राज जी का जो क्षेत्र है लोकसभा नॉर्थ वेस्ट, मैं वहीं रहता हूँ रोहिणी में। आज उस लोकसभा क्षेत्र के सभी समाज के लोग दुखी है वर्तमान सांसद से, और ये कह रहे हैं कि उदित राज जी से बेहतर दुनिया में कोई सांसद नहीं था, अर्थात देश में कोई नहीं था। उन्होंने बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड भी पाया, वहां की जनता रो रहा है। ए राजेंद्र पासवान जी बहवाना क्षेत्र से जानते हैं, पर सभी जातियों के लोग कह रहे हैं कि उदित राज जी को यहां से एमपी होना चाहिए था। क्या गुनाह था उन्होंने? यही गुनाह था कि बहुजन समाज के अधिकार की बात किया लेकिन पार्लियामेंट तो सबके लिए काम किया। तो साथियों मैं तो बात कहना चाहूंगा, वक्ता बहुत होंगे, बहुत समय लेना नहीं चाहूंगा, एक बार हम सबको जागने की जरूरत है, नहीं तो ये देश वाकई में जैसा हम सुधा जी ने कहा कि ये सरकार देश के बचने के चक्कर में है।
वो तो वो आजादे थे जो अंग्रेजों से छीन करके भारत के लोगों ने आजाद कराया, लेकिन उससे खतरनाक गुलामी ये है मनुवादियों का। ये मनुवादियों की गुलामी से आजाद होना जरूरी है, इसलिए इस जंतर मंतर से एक देश में मैसेज जाना चाहिए परिसंघ के माध्यम से, मानवता जी के माध्यम से, कि इस देश में दूसरी आजादी की लड़ाई अब छेड़नी होगी। इस देश में दूसरी आजादी की लड़ाई छेड़नी होगी। पहली आजादी अंग्रेजों से मुक्त हुआ, लेकिन अब यह लड़ाई होगी बहुजन समाज को इस मनुवादियों शक्तियों से मुक्त होने का, अपने धन धरती बचाने का, अपने आरक्षण बचाने का, अपनी इज्जत आबरू बचाने का। नहीं तो एक और जो मनुवादी पार्टियों में जो MP MLA बने हैं ना, थोड़ा सा रुक जाइए, जब ये कोटा समाप्त हो जाएगा ना MLA और MP का, तो दलित समाज के लोग MP MLA भी बनने वाले नहीं है। उन सांसदों को भी कानों में आपके माध्यम से आवाज जाना चाहिए। जब रेल बिक सकता है, NTPC बिक सकता है, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट में जा सकते हैं, तो ये समय दूर नहीं है कि एक समय आएगा 5 साल 10 साल में और इस देश के चुनाव नहीं होगा। MLA का चुनाव नहीं होगा, MP का चुनाव नहीं होगा। अपने घर में पंचायत करते रहिए, किसी का हिम्मत है कि जो आरक्षण खत्म कर देगा? यही हमारा समाज कहता था पहले। किसी का औकात है क्या कि आरक्षण खत्म कर दिया और हमारे सामने खत्म होता गया? MCD का चुनाव साल भर के लिए टल गया, मैंने आपके सामने खत्म हो रहा है। विधायक का भी चुनाव होगा कि नहीं होगा भविष्य में कोई गारंटी नहीं है। MP का चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। तो जब रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो MP तुम भी नहीं बनोगे, तुम गुलाम बनने लायक भी नहीं रहोगे। जो मनुवादी पार्टियों में रिजर्व सीट करके चुन करके जाते हो उस लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए संभल जाओ, कुछ तो ईमानदार बन जाओ, इसका लाभ खाते हो। कर्मचारियों को बार बार कई सामाजिक नेता कोसते हैं कि बड़ा लाभ लिए हो, बड़ा लाभ कुछ करो। अरे इस देश के कर्मचारियों ने तो इस मिशन को यहां तक लाया। ये तमाम लोग हैं अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर कर गए, कांसी राम जी के समय से लेकर के आज तक इस देश के अधिकारी कर्मचारियों ने ही तो चलाया इस मिशन को। इन्होंने चलाया, कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे, कांसी राम जी पढ़े लिखे, माननीय उदित राज जी पढ़े लिखे, इस देश को आंदोलन को तो इन्होंने नहीं चलाया। तो ज्यादा लाभ तो MP MLA ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि साथियों, हम सबको पुनः खड़ा होने की जरूरत है। जितने भी आपके क्षमता है, साधन है, जितना समय है, उसके हिसाब से एक बार दोबारा इस देश को दूसरी आजादी के रूप में हम लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।